Fahim Educational Publishers, the devoted with passion. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Dear students, आज हम आपकी मैथ्स की किताब तलाल सीरीज मैथ्स क्लास 3 के यूनिट नंबर 1 का आगाज़ करेंगे. तमाम बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 4 ओपन कर लें. यूनिट नंबर 1, नंबर्स एंड प्लेस वैल्यूज. डियर स्टूडेंट्स, हम इस यूनिट में नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे यूनिट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. नंबर 1, रिकॉग्नाइज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 5 एंड 6 डिजिट नंबर्स. आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक डिजिट इन अ 6 डिजिट नंबर्स. रीड एंड राइट गिवन नंबर्स अप टू 1 लाख इन न्यूमरल्स एंड इन वर्ड्स. रीड एंड राइट नॉर्मल नंबर्स अप टू 20. लेट्स रिव्यू. नंबर 1, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच नंबर इन द गिवन कॉलम. नंबर 754 मीन्स 700, 510 एंड 4 वंस. 698 मीन्स 600, 9 टेंस एंड 8 वंस. 761 मीन्स 700, 6 टेंस एंड 1 वंस. 240 मीन्स 200 एंड 4 टेंस. नंबर 2, रीड द फॉलोइंग न्यूमरल्स, ड्रॉ बीड्स ऑन द abacus and write the number name. 237, it means 237. 406 means 406. 880 means 880. 911 means 911. Next page per place value of 4 digit numbers. From 0 to 1, we have one number there is represented as ones on the backers. We need only one spike on the backers for ones. Dear students, 0 से 9 के दरमियान आने वाले तमाम अदाद को हम abacus पर सिर्फ एक वन के तौर पर यूज करते हैं. 10 से 99 के दरमियान आने वाले तमाम अदाद दो अदद पर मुश्तमिल हो जाते हैं. सो हमें एक 10 और एक वंस की सूरत में इन्हें शो करना पड़ता है. 100 टू 999 तक तीन अदाद हो जाते हैं. हमें एक 100, एक 10 और एक वंस की सूरत में इन्हें शो करना पड़ता है. जिस तरह 1 1 है ओनली 1, 110 मीन्स 110 एंड 0 वंस, 100 मीन्स 100, 0 10 एंड 0 वंस. 919 is the greatest of 3 digit numbers. What is one more than this number? Add one more to 999 makes 1000. Page number 6. In numbers with more than 3 digits, we use comma after every third digit from right to left. 1000 is the smallest 4 digit number. We can represent it in a place value chart as. Dear students, जैसे ही number 3 digit से 4 digit पर जाता है तो आप बाईं जानिब से दाईं जानिब count करते हुए हर third digit के बाद comma लगा देते हैं और इन्हें place value chart पर इस तरह represent किया जाता है. आप देख सकते हैं अपनी book पर. इसके बाद है way to show a 4 digit number. 4900, 110, 6 ones. ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और साथ इसकी वर्ड फॉर्म गिवन है. इसके अलावा इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म भी गिवन की गई है. पेज नंबर 7 पर एक्सरसाइज 1.1 पर चलते हैं. एक्सरसाइज 1.1 का पहला पार्ट है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. 6857 को आपने शो करना है वर्ड फॉर्म में. 6,857. नंबर 3, 2110, 2110. इसी तरह नंबर 5 को शो कैसे करेंगे? 7,256.
Part B, write the following word in numbers. 1111. इसको न्यूमेरल फॉर्म में लिखें. 3802. आपकी हेल्प के लिए यहाँ हल कर दिया गया है. इसी तरह बाकी तमाम भी आपने खुद हल कर लेने हैं. नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है. जैसे 9999 के एक्सपेंडेड फॉर्म है 9000 + 900 + 90 + 9. बाकी तमाम एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपने लिख लेनी है. पार्ट डी है, काउंट एंड राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स. इनमें काउंट करते जाएं और अगले आने वाले 5 अदाद को लिखना है. 999 के बाद 1000, उसके बाद 1001, 1002, 1003 एंड 1004. बाकी अदाद भी काउंट करके लिख लेने हैं. नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ 5 डिजिट नंबर. 5 डिजिट नंबर मींस 10,000 एंड 1,100, 10 एंड 1. जैसे 4 डिजिट नंबर में 1,000 तक था, यहाँ पर 10,000 तक आ गया है. एक्सरसाइज 1.2 में इसकी बकायदा फॉर्म गिवन है. पार्ट ए है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स. 16,857, 20,999, 56,007, 2,350. पार्ट बी है, राइट द फॉलोइंग वर्ड इन न्यूमेरल्स. 15,505, 91,900, 6,001. पार्ट सी है, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. आपके सामने एक्सपेंडेड फॉर्म हल की गई है. बाकी तमाम भी आपने एक्सपेंड कर लेने हैं. पार्ट डी में अगले 5 अदाद को काउंट करके आपने लिख लेना है. आपकी मदद के लिए यहाँ कुछ को हल कर दिया गया है. नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 डिजिट नंबर्स. डियर स्टूडेंट्स, जब अदाद 5 से बढ़ जाए तो 100,000 का कॉलम भी ऐड हो जाता है. जैसे एक्सरसाइज 1.3 इसकी बकायदा नुमाइंदगी कर रहा है. पार्ट ए है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. जैसे ही अदाद 6 पर मुश्तमिल हुए, हम लिखेंगे 106,578. जैसे 3 है 200,009. पार्ट बी, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमेरल्स. 709,104 बकायदा फॉर्म में आपके सामने है. इसके अलावा आपने इसकी न्यूमेरल्स में लिख लेना है. पार्ट सी में आपने इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, जो आपके सामने लिख दी गई है. पार्ट डी में आपने नेक्स्ट 5 डिजिट्स को काउंट करना है और उन्हें हल कर लेना है. नेक्स्ट टॉपिक है रोमन नंबर्स का. वी कैन राइट अ नंबर इन न्यूमेरल इन वर्ड्स. 4 एज वर्ड फॉर्म 4, 13 एज वर्ड फॉर्म 13. देर इज कॉल्ड अरेबिक नंबर्स. द रोमन introduced Roman numbers as given below. 1 in Roman form, Arabic form and number form. 2 को इस तरह represent करेंगे Roman में, 3 को इस तरह, 4 को इस तरह, 5 को इस तरह, 6 up to 20. We can see that 1, 5 and 10 are digits used to write Roman numbers in different ways. Rule 1. When numbers repeat next to each other, we add their values. Like 1 and 1 means 1 plus 1, 2. 10 and 10 in Roman form means 10 plus 10 is equals to 20 in Arabic form. When a smaller number is written before a bigger numeral, we subtract their values. Like 1 and 5 means 5 minus 1 is equals to 4. 1 and 10 means 10 minus 1 is equals to 9. When a smaller number is written after a bigger number, we can add their values. Like 5 and 1 means 5 plus 1 is equals to 6. 10 plus 1 is equals to 11.
नेक्स्ट आपके लिए एक एक्टिविटी है, हेल्प द ईच बर्ड टू रीच इज नेस्ट। बर्ड्स पर रोमन फॉर्म में काउंटिंग है और नेस्ट पर अरेबिक फॉर्म में, आपने दोनों को मैच कर लेना है। चैप्टर नंबर वन का पार्ट नंबर टू है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कंपेयर 4, 5 and 6 डिजिट नंबर्स, राइट द गिवन सेट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, रिप्रेजेंट अ गिवन नंबर इन अ नंबर लाइन, आइडेंटिफाई द प्रोसीडर सक्सेसर ऑफ अ नंबर फ्रॉम अ नंबर लाइन। एक्सरसाइज 1.4, कलर द स्मॉलेस्ट नंबर येलो एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ब्राउन। आपकी मदद के लिए यहाँ इन्हें कलर कर दिया गया है। पार्ट बी है राइट देयर नंबर्स इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मीन्स छोटे से बड़े की जानिब और डिक्रीजिंग मीन बड़े से छोटे की जानिब। पार्ट सी है कलर द नंबर डैट कम्स आफ्टर बिटवीन और बिफोर। आफ्टर 348, 349, बिफोर 120, 119, बिटवीन 127 एंड 129, 128। पार्ट डी है काउंट बैकवर्ड एंड राइट नंबर्स इन द ब्लैंक्स। आपने बैकवर्ड काउंट करना है और खाली जगह पुट करनी है। आपकी मदद के लिए यहाँ एक हल कर दिया गया है, बाकी आपने काउंट कर लेने हैं। पार्ट ई है कंपेयर एंड राइट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल साइन। 249 एंड 533 कंपैरिजन किया, 249 इज लेस देन 533। नंबर 4, 429 एंड 409 कंपैरिजन शो करता है कि 429 इज ग्रेटर देन 409। नंबर 5, 847 एंड 847 कंपैरिजन मीन इट आर इक्वल। प्रेडेसर एंड सक्सेसर, नंबर लाइन पर कुछ अदाद आपके सामने शो किए गए हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर में हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हेयर द नंबर डैट कम्स बिफोर अ नंबर इज कॉल्ड प्रीडेसर। प्री मीन्स बिफोर एंड द नंबर डैट कम्स आफ्टर अ नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर। सक्सीड मीन्स आफ्टर। राइट द प्रीडेसर एंड सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर। नंबर आपके सामने है 1263, प्रीडेसर होगा 1262 एंड सक्सेसर होगा 1264। इसी तरह बाकी अदाद के प्रेडेसर और सक्सेसर आपने लिख लेने हैं। ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर, कंपेयर विच नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर। पार्ट ए में 9874 कंपैरिजन 7986। पहले सबसे हम 1000 वाले डिजिट को कंपेयर करते हैं। 9 इज ग्रेटर देन 7, सो होल वैल्यू इज ग्रेटर देन द अदर वैल्यू। बाकी तमाम कंपैरिजन भी आपने ऐसे देख लेने हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में आप प्यारे बच्चों पहले ही जानते हैं। एक्सरसाइज 1.5 है। पार्ट ए कंपेयर एंड राइट ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल। 50,856 इज ग्रेटर देन 26,700। 1,236 इज लेस देन 3,000। 999,999 इज इक्वल्स टू 999,999। पार्ट बी सर्कल द ग्रेटर नंबर। आपकी मदद के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ इन्हें सर्कल कर दिया गया है। पार्ट एफ है फिल इन द ब्लैंक्स। द सक्सेसर ऑफ 7,502 इज 7,503। 40,530 + 6 = 45,836। प्यारे बच्चों आपने बाकी तमाम फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी कर लेनी है। अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा। आपने इन्हें कंपेयर करना है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा एंड देन सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर करते हुए पहले सबसे सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा नंबर लिखना है। पार्ट एच है रिंग द ग्रेटेस्ट नंबर एंड टिक द स्मॉलेस्ट नंबर।
उस नंबर को रिंग करना है जो सबसे बड़ा है और उसे टिक कर लेना है जो छोटा है। आपकी मदद के लिए यहाँ इन्हें टिक भी किया गया है और रिंग भी किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपकी किताब के चैप्टर नंबर 1 का मुतालिया किया और इसमें मौजूद सवालात को और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ हल की। इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम आपकी किताब के यूनिट नंबर 2 का मुतालिया करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। You can find us on Facebook, also on YouTube. Subscribe our channel. You can find and follow us on Twitter. Fahim Educational Publishers, the devoted with passion.